हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए। एंड विल डिस्कस, लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये दोनों हॉल्ट कैंडल बनाया है, और अगर ये ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। आज अगर आप देखो, गैप अप ओपनिंग जरूर हुआ, लेकिन वहां से एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला, और ये ब्रेक हो चुका है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे चुका है। जो नेक्स्ट टारगेट आते हैं वो यहाँ तक आते हैं, 21,500 एंड 21,000 तक। 21,500 एंड 21,000 के टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी। निफ्टी भी अगर आप देखो, एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दिया इसने, और मैंने आपको बताया भी था कि फर्स्ट टाइम जब रिट्रेस करता है तो फॉल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप देख सकते हो इसने एक लोअर हाई बना दिया यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ से गिरने के चांसेस अब और ज़्यादा है, और पॉसिबल है निफ्टी का जो टारगेट है वो 11,200 तक वापस आ सकता है। 11,200 तक के टारगेट पॉसिबल है निफ्टी में। 21,000 एंड 21,500 टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। तो आपको शॉर्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। लॉन्ग पोजिशन अगर आपकी है तो आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा और कॉशियस रहना पड़ेगा। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको डाबर बाय दिया था 512 के ऊपर। अगर आप देखो, इसने फर्स्ट जो कैंडल है 9:15 का कैंडल, उसमें उसने 512 के ऊपर हाई बनाया है, उसके बाद ये नीचे ही आया है। एज पर आवर रूल आपको पता होगा, फर्स्ट कैंडल हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं 9:15 का कैंडल। सो हम लोगों ने इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया है। इंडसइंड बैंक मैंने सेल दिया 603 के नीचे, 603 का लेवल तोड़ा ही नहीं है, तो इसमें हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया है। MFSL मैंने बाय दिया था आपको 601 के ऊपर, और ये अराउंड 604 605 के अराउंड ओपन हुआ। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे इसने सिंपल ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपनिंग हुआ है, क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट दिया था, और इसमें हम लोगों ने ट्रेड लिया है, और इसमें इंट्राडे में आपको काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा अगर आपने इसमें ट्रेड किया है। थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग था, जो बाइंग प्राइस था उससे 4-5 रुपये गैप अप ओपनिंग हुआ है, लेकिन टारगेट मैंने आपको दिया था 615-20 का, और सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करके हम लोग ने इसमें इंट्राडे में पैसा कमाया है। एक ही ट्रेड हम लोग ने किया MFSL, इसमें इंट्राडे में काफ़ी अच्छा पैसा आया। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा हीरो मोटो। हीरो मोटो का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इसने काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है, और एक फॉल आया था, और अब जो शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टार्ट हुई है। 3,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया इसने, जो कि एक पॉजिटिव नोट है, और मुझे लगता है यहाँ से 3,100 तक ये वापस जा सकता है। सो 50-60 रुपये का मूवमेंट हमें इसमें देखने को मिल सकता है, तो हीरो मोटो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा टाइटन। टाइटन भी काफ़ी अच्छा बाय लग रहा है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के आसपास ही है, और मुझे लगता है अगर यहाँ से 1200 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, तो इंट्राडे के लिए भी काफ़ी अच्छा बाय रहेगा टाइटन। कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा इंफ्राटेल। इंफ्राटेल का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इसने एक बड़ा फॉल दिखाया था, यहाँ पर इसने इनसाइड कैंडल बनाया है, एक बड़ा रेड कैंडल है, इनसाइड कैंडल है। अगर ये ब्रेक करता है तो एक शार्प फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। सो इंफ्राटेल काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा, कौन से लेवल पर शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।